नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं बगल में, जो चिराग के नए हनुमान माने जाते हैं, और कल भी मैंने इनकी खबर चलाई थी। उसके बाद कल आशीर्वाद यात्रा होने वाला है, उसको लेकर राजू तिवारी जी से कुछ सवाल रहेगा कि जब वह आएंगे पटना, उसके बाद कैसे कैसे क्या कुछ करेंगे। प्रवक्ताओं से हमने कई बातें जानी है, अब राजू तिवारी जी से जानेंगे इनकी बातों की, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता हैं तो बातों का तो वजन होगा ही। क्या सर, पहले तो कैसे हैं सर? जी बढ़िया, धन्यवाद, एकदम फर्स्ट क्लास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने नेता का जो आगमन होगा उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे वो रास्ता का क्लियर किए हैं, और आगामी जिले में कब कब उनका है यही हम प्रेस को बताए हैं। एक सवाल जो आ रहा था कि पहले मैं शुरू करूँगा, पशुपति कुमार पारस जी भोज करने वाले हैं, इसको लेकर खूब विवाद है कि चिराग पासवान जी को कहीं डिस्टर्ब करने के लिए या नहीं, या कुछ ऐसी बातें, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बचते हुए नज़र आते हैं चाचा जी को। हमारे गार्जियन रहे हैं जी, हम लोगों का वो संस्कार नहीं है, वो भारत की एक संस्कृति है। हमारा संस्कार नहीं है कि उनसे मतभेद है मेरा, लेकिन मान लीजिए श्रद्धा उनके प्रति आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन राजनीतिक मतभेद उनसे है। श्रद्धा है, पर उन्हीं के गुट के जो सांसद हैं महबूब अली कैसर जी, उनको कल चिराग के समर्थक या कार्यकर्ता कह सकते हैं, उन लोगों ने गाड़ी रोक करके उन्हें, मतलब कि अभद्रता उनके साथ किया गया और काला पट्टी बैंडेज दिखाया गया, क्या समझा जाए? देखिए, लोकतंत्र में विरोध एक सम्मानजनक तरीके से विरोध होता है। पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के जितने चाहने वाले लोग हैं, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग, इनके बदौलत वो दो दो बार सांसद हुए थे। और जिस तरह से कैसर साहब चुनाव से पहले अपने बेटा को आरजेडी में सेट की, चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पीठ में छूरा घोपने का काम किए हैं, तो स्वाभाविक है कि जिसके बदौलत आप सांसद हुए हैं खगड़िया से, जहाँ जन्म धरती रही है हमारे नेता की, और वहाँ तो आक्रोश रहेगा। जनता उनको अपने स्तर से जिस तरह से हो सकता है जवाब दे रही है। काला झंडा दिखाना लोकतंत्र का एक वो भी पहल है। पर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट भी किया जा सकता था, मतलब कि ज़्यादा उग्र होता भी। देखिए, मारपीट हम लोग की संस्कृति नहीं है। उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की है, इसका खामियाजा उनको देखना पड़ेगा, इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब कल की यात्रा पे मैं आता हूँ, कल जैसे पटना से वहाँ निकलेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे जरा बताइए। कल सीधे एयरपोर्ट से आपको हाईकोर्ट होते हुए भीमराव अंबेडकर साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए इनकम टैक्स चौराहे से दाहिने बीजेपी कार्यालय होते हुए हाजीपुर जाएंगे। हाजीपुर में एक जगह है सुल्तानपुर में, वहाँ से, जहाँ से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राजनीति तो बहुत पहले से किए थे, MLA तो बहुत पहले से थे, लेकिन 77 में जब वो हाजीपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो पहली बार जहाँ से उन्होंने अपना कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उस महान धरती से अपना आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। जयंती उनके फूलमाला लगा करके, इसलिए कि फूलमाला की अभी साल भर नहीं बीता है हमारे संस्थापक का स्वर्गवास हुए, तो इस बीच हम लोग कोई भोज का कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो हम लोग उसी धरती से, उस पावन धरती से आशीर्वाद लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में हर जिले में जाएंगे। ये भोज पर मैं फिर आ गया, आपने भोज का नाम ले लिया, साल भर में भोज नहीं होता और उन्हीं के भाई भोज करने वाले हैं, तो उस पर देखिए वो बहुत पुराने नेता हैं, अब भोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसका जवाब वही देंगे। अभी तो मान लीजिए बरखी नहीं बीती है, बरखी के पहले भारतीय संस्कृति में भोज नहीं होता है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि अभी तो पिताजी की बरखी भी नहीं बीती है, अभी तो साल भी नहीं बीता है, तो हम लोग उसी पावन धरती से जहाँ रामविलास पासवान जी की आत्मा बसती थी, उसी धरती को प्रणाम करते हुए, वहाँ लोगों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। कल एयरपोर्ट पर उतरेंगे चिराग पासवान, वहीं पर बगल में ही कार्यालय है। राजू तिवारी जी बार बार गोलमोल सवाल का जवाब दे देते हैं और उसके बाद मतलब कि सवाल तो टल ही जाता है, तो बगल में ही है तो जाने में क्या दिक्कत है राजू जी? देखिए, वहाँ पहले से उनका आवास है जी। हमारे नेता रहे हैं, हमारे सांसद रहे हैं,
बाद में उनको पार्टी से निकाला गया है सारे पांचों को। ऐसी परिस्थिति में हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहां किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन हो। कानून का उल्लंघन कहाँ हो रहा है चिराग जी? आपके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल आपने कहा कि चुनाव आयोग के हिसाब से भी चिराग जी ही अध्यक्ष हैं, तो अब अपने ही कार्यालय में अपने नहीं जा रहे हैं तो क्या समझा जाए? नहीं, अभी अभी उनको स्वतः कार्यालय छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो कार्यालय पार्टी के नाम पर है। नहीं छोड़ रहे हैं जिसके बदौलत, मान लीजिए बिहार सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे परिवार को तोड़ने में। लोक जनशक्ति पार्टी एक परिवार है, उसको तोड़ने में बिहार सरकार के मुखिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो शासन उनका है, प्रशासन उनका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट बोले कि कोई ऐसा काम हम लोग नहीं करें। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे कानून, हम SSP को पत्र लिखेंगे और हमको हैंडओवर मिलेगा हमारा है। मतलब वहाँ अभी रह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, इसलिए लगता है कि लिहाज में थोड़ा सा चिराग पासवान एकदम सम्मान है। पार्टी अलग है, पार्टी उनका गुट अलग है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप किसी भी डिबेट में देखिएगा, किसी भी आप इंटरव्यू में उनको देखिएगा, सम्मान आज भी उतना ही है, कल भी उतना था और कल भी रहेगा। आशीर्वाद यात्रा में कितनी संख्या रहने वाली है? देखिए कोरोना प्रोटोकॉल, अभी कोरोना का चल रहा है समय, लॉक अभी बिहार सरकार का कोरोना गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत हम लोग अपने पूरे आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा अपना लोक जनशक्ति पार्टी का विंग का फ़ोन के माध्यम से और अन्य तरह के माध्यम से सारे लोगों से अपील किया गया है कि आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आइए और इस आशीर्वाद यात्रा को ऐतिहासिक बनाइए। चिराग पासवान और आप भी कह रहे हैं अपने चाचा का तो आदर दे रहे हैं मगर उनका बात कहना क्यों नहीं मान रहे हैं? ये बातें खूब चल रहा है कि वो आदर तो कर रहे हैं मगर उनका कहना नहीं मान रहे हैं। जमुई से वो सुझाव दिए थे और भी अलग अलग सुझाव जो देते हैं, मानते नहीं हैं चिराग? देखिए आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही सोच पे, उन्हीं के नाम पर सब लोग नेता बने हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं। और रामविलास पासवान जी के पुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा रहती थी वहीं से आशीर्वाद कोई लेता है। अपने पिता के कर्म क्षेत्र और जिस क्षेत्र में उनकी आत्मा रहती थी, बसती थी, आज भी वो कहीं कहीं से देख रहे होंगे, हाजीपुर से इतना बढ़िया लगाव था और हाजीपुर के लोगों का उनके प्रति जितना जुड़ाव था और उनका जुड़ाव हाजीपुर से था। एक हाजीपुर का नाम रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता है और रामविलास पासवान हाजीपुर के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, और वहाँ से रिकॉर्ड मतों से भी जीतते हुए नजर आए थे रामविलास पासवान। मैं एक परिचय करा देना चाहूँगा, संजय पासवान जी हैं, प्रधान महासचिव हैं, और भी कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोगों से हमने वाइट लिया है। और संजय पासवान जी, कैसा चल रहा है तैयारी, लगातार सिग्नेचर कर रहे हैं? पूरे बिहार में हमारी तैयारी हो चुकी है, तैयारी चल नहीं रहा, और कल जब लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनजन के नेता श्री चिराग पासवान जी के आगमन पर जुटेंगे तो ये सबको पता चलेगा कि कार्यकर्ता में कितना उत्साह है अपने नेता के प्रति और आशीर्वाद यात्रा को लेकर। मैं अब यहीं पर विराम दूंगा, और भी कई लोग हैं, सारी बातें राजू तिवारी जी के समक्ष सारी बातें आ चुकी है, और कैमरे के पीछे रवि जी हैं जो मोबाइल संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे। और आप देखते रहिएगा झकास भारत, हम तमाम बिहार की पॉलिटिकल अपडेट से लेकर अभ्यर्थियों के उन मुद्दों को भी उठाऊंगा, चाहे वह शिक्षक बहाली हो या फिर दरोगा बहाली में अनियमितता की बातें हों, तमाम खबरें झकास भारत पर आते रहती है। और अभी के लिए धन्यवाद।